जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में रेसर अजय में। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज टीए भर्ती में जो भी दोस्तों जा रहे हैं टीए भर्ती में, तो उसमें आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। दोस्तों आप लोग अगर टीए भर्ती जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आइए एक एक अगर बात कर लेते हैं। आपका टीए भर्ती अगर आप जा रहे हैं दोस्तों तो आपका है जो उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड, कि आपको एडमिट कार्ड ले जाना है दोस्तों। वहाँ पे आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं ले जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे रैली भर्ती होगा। डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ लेके जाना है और वहाँ पे लाइन में लग के आपको जो है रैली लिया जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे आपका जो है कोई भी एडमिट कार्ड नहीं ले जाना है, वहाँ पे कोई भी आपका एडमिट कार्ड नहीं लगेगा। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है डॉक्यूमेंट के बारे में, कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड में से जा रहे हैं तो आपका 8वीं पास चाहिए डॉक्यूमेंट, और दोस्तों आप अगर 10th से जा रहे हैं आप GD के लिए जाइएगा इस, तो दोस्तों आपका जो है 10th होना जरूरी है। दोस्तों अगर आप कर के लिए जाइएगा तो आपका जो है 12th पास होना जरूरी है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपका, अगर आप जाइएगा GD से लिए तो आपका मिनिमम 33% इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, और दोस्तों टोटल आपका जो है 45% मार्क्स होना चाहिए अगर GD के लिए आप भर्ती देने जाइएगा तो देखने के लिए। दोस्तों वहीं पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका क्लर्क के लिए, तो दोस्तों आपका जो है क्लर्क के लिए दोस्तों आपका इस सब्जेक्ट में आपका है 50% मार्क्स होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप क्लर्क का जो है भर्ती देख पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है टोटल परसेंटेज के बारे में, क्लर्क के बारे में, तो दोस्तों टोटल परसेंटेज जो है आपका क्लर्क के बारे में, तो दोस्तों आपका जो है 60% होना चाहिए, टोटल आपका है 60% होना चाहिए, तो ही दोस्तों आप क्लर्क का जो है भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप लोग जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगेगा आपका जो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जो आप जिला से ले जा सकते हैं या अपने जो है जो तहसील से, यानी आप अपना जो है प्रखंड है उससे ब्लॉक से अपना जो है अपना ले जा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र, क्या चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, तो दोस्तों हाँ वहाँ पे आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा। दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र क्या आपका स्कूल से लगेगा या थाना से लगेगा, तो दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो है वहाँ पे थाना से लगेगा, अपने थाना से जो है चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के तो ही लेके जाइएगा, स्कूल से बनवा के दोस्तों मत लेके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा आप या जिला से बनवाइए या तहसील से बनवाइए, यानी कि अपने प्रखंड से बनवाइए ब्लॉक से। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है पहचान पत्र में, तो दोस्तों आपका यह पहचान पत्र लगेगा, यह आपका जो है आधार कार्ड लगेगा और आपका जो है एक पैन कार्ड लगेगा, तीनों अपना लेके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो शपथ पत्र है, दोस्तों ये शपथ पत्र बहुत ही जरूरी है, कोर्ट से आपका जो है शपथ पत्र एफिडेविट जो है होता है, और उस पर जो आपका है टिकट लगता है 90 रुपये का, वो भी आपको लेके जाना जरूरी है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका जो है फोटो कितना लगेगा, तो दोस्तों आपका जो है फोटो वहाँ पे 24 फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए वहाँ पे 24, बिना दाढ़ी के फोटो चाहिए आपका जो है 24। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका आपका अविवाहित प्रमाण पत्र लगेगा, दोस्तों आप अपने जाइएगा पंचायत में जो आपको होगा सरपंच, वो आपको है जो अविवाहित बनवा के देंगे। दोस्तों आप जाइएगा सरपंच के पास तो दो अविवाहित बनवाइएगा, दो कॉपी लीजिएगा उसका। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो है अन्य प्रमाण पत्र, जैसे आपका हो गया NCC हो गया, और आपका जो हो गया आपका रिलेशन हो गया, जैसे कि आपका पापा फौज में है या आपका भाई फौज में है तो उनका जो है रिलेशन बना होगा, तो अपना वो रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, और या आपके पास स्पोर्ट का होगा सर्टिफिकेट तो अपना वो लेके जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, इसमें टोटल आपका जितना भी डॉक्यूमेंट बताया गया है यहाँ पर, इसका दो दो फोटो कॉपी लेके जाना है, दो दो फोटो कॉपी लेके जाना है। दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।